हादसे का अज तीसरा दिन है तो अज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो कहा जा रहा है कि हूँ सिर्फ चार लोग ही बचे ने जिन्हों बचाना बाकी है। सवेरे तड़कसार ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया सी ते 10 लोगों को बाहर कढ़ लिया गया। फिलहाल सेना लगातार इस काम से लगी हुई है तो लगातार प्रशासन भी रेस्क्यू ऑपरेशन से नज़रा गड़ाए रखे है। तड़कसार ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया तो हूँ तक 10 लोगों को बाहर कढ़ लिया गया। सिर्फ चार लोग बचे ने जिन्हों बचा बाकी है। दस दिए कि 2500 फीट की ऊंचाई से होने के कारण इस रोपवे के 2500 फीट की ऊंचाई से होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऊंचाई से होने की वजह रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पै सकता। पर तीसरे दिन की जेकर गल की जाए तो 10 लोगों को जो ट्रॉली के फसे हुए थे उन्होंने बाहर कढ़ लिया गया तो 4 ही लोग बचे ने जिन्होंने हुण बचाना बाकी है। इस तो पहला दे जेकर 2 दिन पहला जो चलिया रेस्क्यू ऑपरेशन उसकी गल की जाए तो 40 के करीब लोगों को बाहर कढ़ लिया गया। सेना वायुसेना ITBP NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से डटिया हुई ने ते इस दौरान 40 के करीब लोगों को पहले ही बचा लिया गया। दस दिए कि एतवार को यह हादसा वापरिया सी जो जरूरत तो ज़्यादा भार होने के कारण रोलर टुट गया सी रोपवे का। इस दौरान उत्थे कई लोग भी फस गए सन। 2 ट्रॉलियां पहाड़ के नाल भी टकरा गई सी अते वो नीचे गिर गई सी जिसके कारण कई लोग जख्मी हो गए सी ते 2 लोगों की मौत भी हो गई सी। बीते दिन की जेकर गल की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन दौरान सेफ्टी बैल्ट टुटन के कारण एक नौजवान भी हैलीकॉप्टर तो गिर गया से जिसकी मौत हो गई सी। इस हादसे में कुल 3 मौत हुई ने जख्मी जो ने उन्होंने हस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल आज तीसरा दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। 15 के करीब लोग फसे हुए से जिन्होंने जो सवेरे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो 10 लोगों को बचा लिया गया तो 4 हुण बचाने की कोशिशां लगातार जारी ने। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648। ऑल वर्ल्ड